सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई भी घटना मुझे बतानी हो जिसे आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। वेल, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये बात आज से करीब 30 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त नीरज दीपावली की छुट्टियों में 3 दिन और छुट्टी लेकर 1 हफ्ते के लिए गाँव जाने को तैयार हो गए। रात को 10 बजे की रोडवेज की बस से हम लोग दिल्ली से उत्तरांचल में अपने गांव को रवाना हुए। 5 बजे सुबह हम लोग ऋषिकेश पहुंचे। वहां से हमने गाड़ी बदली और टिहरी की बस में रवाना हो गए। उस जमाने में परिवहन व्यवस्था इतनी सुलभ नहीं थी। आज की अपेक्षा कहीं दूर की यात्रा में दुगने से ज़्यादा समय लगता था। 2 बजे नियत समय पर बस टिहरी पहुँच गई। वहाँ से अब हमें एक बस पकड़नी थी जो कि हमें 5 बजे तक गांव के पास उतार देती, मगर किसी कारणवश वो बस लेट हो गई। इंतज़ार करते करते ही शाम के 5 बज गए। हमें अब यकीन हो गया कि हमें गांव के पास पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। सर्दियों के समय था और अंधेरा जल्दी हो जाता था। हमने बस पकड़ी और ठीक 7 बजे हम गाँव के नज़दीक पहुँचे। आगे का रास्ता पैदल का था जो कि घने जंगल और थोड़ी पहाड़ की चढ़ाई से जाता था। ऊपर से रात का अंधेरा, अकेला होता तो शायद मैं कभी न जाता। टिहरी में ही किसी होटल में रुक जाता, मगर हम 2 थे इसलिए हमने चलते रहने का निश्चय करा। बातचीत करते करते चलते रहेंगे ये सोचकर हमने अपना सामान उठाया और वहाँ से चल पड़े। मेरे पास एक सूटकेस था जबकि मेरे दोस्त नीरज के पास सूटकेस और एक थैला भी था। जंगली जानवरों का भय वहाँ अक्सर रहता है। ये सुनने को मिलता था कि लकड़बग्गा आज फलना की बकरी चपट कर गया, किसी के कुत्ते को खा गया, वगैरह वगैरह। जब आदमी ऐसी परिस्थिति में होता है तो ना याद आने वाली बातें भी याद आ जाती हैं, और उस जमाने में तो भूत प्रेतों की मान्यताएं काफ़ी अधिक थी आज के मुकाबले में। लोगों के द्वारा बताई गई आप बीते की घटनाएँ इसी समय याद आती हैं। हम कड़ा मन करके चले जा रहे थे तब नीरज बोला, ओए तू डर तो नहीं रहा ना प्रकाश? मैंने कहा, अरे डरना कैसा, जो डरता है उसी को ये सब दिखते हैं। तू भगवान का नाम ले और चलता रहे। अपने डर को मन में ही छुपाते हुए मैंने कहा, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं समझ गया कि वो भी अपना डर छुपा रहा है। भूत के किस्से और घटनाएं बताने वालों में एक ये भी था, मगर इस समय ये बात कहने का कोई वक्त नहीं था। आदमी कितना ही निडर क्यों ना हो, थोड़े से डर की आशंका उसके मन में अवश्य होती है। हम अपना डर छुपाएं और अपने डर को ख़त्म करें, दोनों में फ़र्क होता है, पर अपने आप को निडर तो हर कोई घोषित कर देता है। यही हमने भी करा और आगे बढ़ते रहे। अंधेरे सन्नाटे में हमारी पदचाप और बातचीत शायद दूर दूर तक सुनाई दे रही होगी। ज़रा सी कहीं से आहट होती तो हम खुद ही चौंक पड़ते और एक दूसरे को डरपोक बताने का नाटक करते। मेरे मन में आया कि इससे तो अच्छा था कि टिहरी में ही किसी होटल में रुक जाते और सुबह आराम से आते, मगर फिर होता ये कि एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाती। खैर, अब निकल गए थे तो घर तो पहुंचना ही था। सुरक्षा की दृष्टि से एक डंडा हमने चाय वाले की दुकान से ले लिया था, शायद इसकी ज़रूरत कहीं पड़ जाए। बीच बीच में कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ हल्की हल्की आती, मगर सामने अब तक कोई नहीं आया था। चलते चलते नीरज अचानक से रुक गया, एकदम से जैसे कोई ब्रेक लगता है। मैंने पूछा तो बोला, प्रकाश देख वहाँ कौन बैठा है। कहाँ पर? मैंने कहा, अरे वो देख उस दीवार के बड़े पत्थर पर। मैंने देखा तो सचमुच दूर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई बैठा हो। दिन के समय कोई राहगीर चलते चलते थक जाते तो उस जगह पर बैठ जाते थे। वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ भी था जिसकी छांव में बैठकर आने जाने वाले लोग थोड़ा आराम करते थे।
गांव की स्त्रियां जब दूर जंगलों से लकड़ियां या घास लेकर आती थी तो वो भी यहां पर बैठ जाती थी। ठीक उसी जगह पर मैंने देखा एक आदमी घुटने में अपना मुंह देकर बैठा हुआ है। उसे इस तरह बैठा देखकर एक बार तो हमारे ही होश उड़ गए। वो हमसे लगभग कोई 50 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी? हम तो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। नीरज डर के मारे पीछे हो गया। डर से या फिर हिम्मत से मेरे हाथ की पकड़ डंडे पर मजबूत हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आया तो हमारे होश हवा हो गए। तब एक पत्थर उठाकर मैंने हल्के से उसकी तरफ उछाला ताकि पत्थर की आवाज़ से उसे हमारा आभास हो सके। तो उस आदमी ने जोर से हंसते हुए अपना मुंह ऊपर किया। डर गए क्या? वो बोला। अरे भाई कौन हो तुम? मैंने कहा। तुमने तो डरा ही दिया था, मैंने अपने आप को संयत करते हुए कहा। नीरज के चेहरे पर पसीना आ गया था। हम नज़दीक गए और देखा कि वहाँ पर वो एक 50-55 साल का दुबला पतला आदमी था। फिर वो खिसे और निपोरता बोला, डरो मत, देखो मैं अकेला हूँ, तुम तो दो हो। तब नीरज अपने डर को छुपाता वो बोला, हम डर कहाँ रहे हैं, हमने सोचा कोई चोर वगैरह है, चलो अब साथ चलते हैं। वो लाठी के सहारे खड़ा हुआ और बोला, मैं शिवाली गांव का हूँ। शिवाली गांव हमारे गांव कोटवार से बाद में पड़ता है। तो क्या ये आदमी वहाँ तक अकेला जाएगा? हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर इस समय ये सब सोचने का नहीं था। एक साथी के मिल जाने से हम भी काफ़ी आश्वस्त थे। एक उम्रदराज आदमी के मिलने से अब पहले जैसा डर नहीं रह गया था। अब हम थोड़ा बेफिक्र होकर चल रहे थे। हम दोनों 25-26 साल के थे और वो वृद्ध आदमी हमसे कोई दुगनी उम्र का। हम लोग बातें करते करते चल रहे थे तो उसने हमें भूतों की बातें बताई। भूत ऐसे नहीं होते जैसा आदमी सोचता है, भूत अलग अलग रूप में दिखता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि भूत नहीं है, पर भूत उसके साथ ही विद्यमान होता है, वगैरह वगैरह। उसकी बातें दिलचस्प थी और डराने वाली भी। खैर बातें करते करते उसने हमारे गांव के एक दो आदमियों के नाम बताए और कहा कि वो हमारे जानने वाले हैं। तब हमें पूरा यकीन हो गया कि ये शिवाली गांव का ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे। उसने अपना नाम श्याम सिंह बताया था। जब हमारे गांव का रास्ता अलग हुआ तो मैंने कहा, अच्छा श्याम सिंह जी आप आराम से जाइए, हमारा तो गाँव आ गया। तब वो बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, और बेझिझक आगे रास्ते पर चल पड़ा और अंधेरे में दूर कहीं गायब हो गया। मैंने देखा उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसके लिए रात का अंधेरा कोई अहमियत ही ना रखता हो। मुझे वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाला आदमी लगा। हमने ईश्वर को धन्यवाद किया कि उसने हमें एक साथी हमारी थोड़ी डरावनी स्थिति में भेजा। रास्ते के थोड़ा ऊपर एक छोटी दुकान थी जो रात के 8-9 बजे तक खुली रहती थी। लोग दीपू चाचा की दुकान पर देर तक गपशप किया करते थे। हम दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दीपू चाचा के अलावा 2 आदमी वहां पर बैठे थे। राम राम के बाद चाचा बोले, अरे तुम दोनों अकेले ही आ रहे हो क्या? मैंने कहा, हाँ चाचा हमारे साथ एक आदमी और था बस। कौन था? तब मैंने कहा कि शिवाली गांव का कोई श्याम सिंह था, अभी तो गया उस तरफ। दीपू चाचा ने कहा, रात को इस तरह अकेले मत आया करो, देरी में रुक जाया करो। चलो ठीक है, मैं भी दुकान बंद कर रहा हूँ, टाइम हो गया है। ऐसा बोलकर सब लोग उठकर जाने लगे। हम भी अपने घर आ गए। सुबह नहा धोकर मैं दिवाली का सामान लेने जाने लगा तो नीरज को आवाज़ देकर आने को कहा। हम दोनों दुकान पर पहुँचे तो दुकान पर दीपू चाचा बैठे थे। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें रात को पैदल इस तरह नहीं आना चाहिए था। पर चाचा हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने कहा, और अगर कुछ हो जाता तो? चाचा बोले, मैंने तुम्हें रात में नहीं बताया, तुम जिस श्याम सिंह की बात कर रहे थे जिसके साथ तुम लोग आधा घंटे तक चलते आए हो, जानते हो उसे मरे हुए 4 महीने हो गए हैं, आए दिन वो लोगों के साथ ऐसे ही चलता है। क्या? मेरे मुंह से चीख निकल गई और पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरज तो मानो बेहोश सा हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, क्या वो असल भूत था? हाँ वो वही था, किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तब मुझे समझ में आया कि डर क्या होता है, वो जो हमने कल रात में महसूस करा था।
बस उसका एहसास हमें अभी हुआ था। उस दिन के बाद हम कभी भी रात को उस समय उस रास्ते से नहीं चले। बाद में अगर कभी गए भी तो दिन में गए, और लेकिन उस समय भी एक अजीब सा डर हमें लगता रहा। अपने मुंह पर पानी के छींटे पड़ते देख अचानक वो उठ बैठा और होश में आ गया। उसने अपने हाथों से खुद को टटोला, मानो ये तसल्ली कर रहा हो कि वो जिंदा भी है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक ठाक है तो उसने देखा कि 10-12 लोग उसे घेर कर खड़े हुए थे। कुछ गांव की महिलाएं भी थीं, सब अनजान लोग थे। तभी उसे रात की घटना का स्मरण आ गया। एक खौफ उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। किसी ने उसे एक गिलास पानी का दिया। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, एक वृद्ध ने उससे पूछा। तब पानी पीकर वो थोड़ा शांत हुआ और अपना बैग खोजने लगा। थोड़ी दूर पर उसे उसका बैग दिखा तो वो आश्वस्त हुआ। फिर उसने बताया कि वो अध्यापक है और उसका नाम चंद्रमणि है। यहाँ कोई मीणाधार गांव है और उसकी वहाँ की पोस्टिंग है। फिर उसने पिछली रात की आप बीती सबको बताई। गाड़ी से उतरने के बाद शाम के 6 बज गए थे। उसने एक आदमी से मीणाधार गांव का रास्ता पूछा तो उसने एक पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस रास्ते से आगे जाना है, ज़्यादा दूर तो नहीं मगर बीच में एक घना जंगल पड़ेगा, अनजान गांव और अनजान लोग। बिना किसी मुसीबत में पड़े जल्दी से किसी के यहाँ पर शरण लेने से अच्छा है जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पर पहुँचा जाए। चंद्रमणि थोड़ा खुददार किस्म का आदमी था तो ज़्यादा सोच विचार ना करे हुए सीधा वो उस पगडंडी के रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और अंधेरा तो हो ही चला था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे प्यास लगी तो उसने एक पत्थर पर बैठकर पानी की बोतल निकाली और पानी पीने को हुआ। तभी उसे ख्याल आया, अरे रास्ते में नमकीन का पैकेट लिया था, यूं का यूं रह गया। उसने नमकीन का पैकेट निकाला और खाने लगा। उसके बाद उसने पानी पिया और उठकर चल पड़ा। उसने अंदाज़ा लगाया कि आधे घंटे का रास्ता है, गांव पहुंच जाऊं बस। जिस गांव में पढ़ाना है उस गांव में तो लोग यहां पर सराखों पिटाते हैं, वहां से मदद मिल भी जाएगी तो कोई हर्ज नहीं। तभी उसे आसपास कोई स्वर सुनाई पड़ा, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो उसे 2-3 व्यक्तियों की बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हों। शायद कौन हो सकता है इस समय, वो रुका, शायद कोई और भी मेरे साथ आ जाए, अच्छा है साथ ही हो जाएगा। वो काफ़ी देर तक रुका रहा मगर कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया। पॉकेट टॉर्च से ज़्यादा दूर तक देखना असंभव था, रास्ता दिख रहा था यही बड़ी बात थी। आवाज़ पर उसे अब भी लगातार आ रही थी, कहीं ये लोग कहीं बैठकर बातें तो नहीं कर रहे, मगर इतनी रात में यहाँ पर कौन बैठेगा। उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था और ना ही कभी ऐसी कोई घटना घटी थी, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी आलतू फालतू नहीं सोच रहा था जो कि अभी तक हम सोच रहे हैं। वो बस इन चीज़ों को अपने मन का भ्रम समझकर आगे की तरफ चल पड़ा। वो अभी कुछ कदम ही आगे चला होगा कि उसे दोबारा से वही आवाज़ें सुनाई पड़ी, बल्कि अब आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता थी और वो क्या बोल रहे थे ये भी समझ में आ रहा था। उसने ध्यान से सुना तो एक कह रहा था, यार अब कितनी देर और लगेगी, कब से चल रहे हैं, रुक जा यार सब्र कर, आगे एक पहाड़ी फल है, वहाँ उसका घना पेड़ है, बस वहीं तक चलना है। बीच बीच में उनके ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। ये सुनकर चंद्रमणि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने कुछ ही दूरी पर वो घना पेड़ था। नई पीढ़ी का शिक्षक भौतिकता पर विश्वास रखने वाला इस समय खौफ में था। अब वो करे तो करे क्या, क्या पीछे लौटकर जाना उचित होगा, नहीं हरगिज़ नहीं। तभी उन शब्दों की वापस से खुशहुसाहट हुई, चल यार शाबाश, बस आ गया, चल चल। चंद्रमणि को लगा जैसे वो उसी को ही कह रहे हों, किसी अनहोनी की आशंका से वो कांप गया। अब वो करता तो क्या करता, उसकी नज़र अब उस घने तीमल के पेड़ की तरफ थी। वहाँ क्या होगा ये अब वो भी नहीं जानता था। आवाज़ें अब भी बराबर आ रही थी। तभी उसने सुना उनमें से किसी ने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे कोई उल्टी करता हो।
और फिर कराने लगा हो, आय हाय, अरे पानी दो। तब दूसरा बोला, अरे क्या हो रहा है यार, ओहो हो, और वो भी उल्टी करने लगा। चंद्रमणि का दिमाग चकरा गया। कोई आदमी सामने दिखता तो पानी भी देता, मगर कोई दिखे तभी तो। ये सोचकर वो आगे चल पड़ा और ये बोला कि जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने पता नहीं कौन सी भाषा सुनी कि वो लोग बात करते करते ही लड़ रहे थे शायद। वो डरते डरते उस घने पेड़ के पास तक पहुंचा तो वो चकित रह गया। तीन साए पहले ही वहां पर अंधेरे में उसे महसूस हुए। चंद्रमणि से पेड़ की दूरी लगभग 15 फीट की थी। तभी उसने उनके जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी, जैसे मानो जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया हो। तब धीरे से उनमें से एक फुसफुसा कर बोला, अरे पकड़ो, उसके पास सब कुछ है। चंद्रमणि कुछ सोचता इससे पहले ही वो तीनों साए उसकी तरफ लपकने लगे। वो खतरे को भाप कर तेज भागने लगा। मारे डर के उसकी जान सूख रही थी। उसके कपड़े भी झाड़ियों में उलझ कर फट गए थे कई जगह से, और उसके पैर भी छिल गए थे, मगर वो भागता रहा। अरे रुक रुक जा, और उसके पीछे दौड़ने की आवाज़ आने लगी। तब वो एक रुआसी आवाज़ में बोला, देख रुक जा नहीं तो, और मानो वो जैसे रोने लगा। ये सब देखकर चंद्रमणि बुरी तरह डर गया और तेज़ भागने लगा। तब उनमें से दूसरा बोला, देख पानी की बोतल और खाने का सामान हमें दे दे, नहीं तो। वो धमकाने वाले अंदाज में बोला। लगातार उनके पीछे से दौड़ने का आवाज उसे हो रहा था, और तभी अचानक उसका पैर किसी झाड़ी में उलझ गया। चंद्रमणि ने बहुत जोर लगाया पर वो निकल ना पाया। अब तो मौत निश्चित है, हड़बड़ाहट में फिर भी वो निकलने की कोशिश करने लगा। वो इतनी बुरी तरह डर गया था कि वो अवचेतन की स्थिति में आ गया था। उसने देखा तीन साए उसके पास आकर एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि अब क्या करना है। चंद्रमणि अत्यधिक भयभीत हो गया और वो डर के मारे बेहोश हो गया। होश आने पर उसने गांव के लोगों को खुद से घिरा पाया। कोई उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। एक वृद्ध बोला, अरे तो अपने गांव के स्कूल के मास्टर हैं। उठो मास्टर साहब, आप गांव में ठीक जगह पर आए हो, अब डरने की कोई बात नहीं है। फिर कुछ लोग चंद्रमणि को सहारा देकर मुखिया के घर तक ले गए, और वहाँ पर उसने अपने कपड़े वगैरह बदले और फ्रेश होकर चाय नाश्ता किया। कुछ देर बाद मुखिया बोला, चलो मास्टर जी स्कूल चलते हैं, आपको स्कूल दिखा दें। हाँ मुखिया जी चलो, और दोनों गांव के ऊपरी छोर पर बने एक लोहे की चद्दर के सैड नुमा घर की तरफ चल पड़े। तीन बड़े कमरों का बना था ये स्कूल। चंद्रमणि ने अपना सामान एक कमरे में रखा और मुखिया के साथ आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद मुखिया ने बीड़ी जलाकर एक कश लगाते हुए कहा, मास्टर जी आपके मन की उत्सुकता मैं समझ गया हूँ, आप जो जानना चाहते हैं मैं बताता हूँ। ये बात उस जमाने की है जब दूर दूर तक सड़कें नहीं थी, बस जंगल था। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लोग पैदल ही जाया करते थे हर जगह पर। बताते हैं कि तीन दोस्त मिलकर किसी काम से घर से निकले और दोपहर के समय जंगल में आ गए। तीनों भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे, तो एक पेड़ पर चढ़ गए और जंगली फल तोड़कर खाने लगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो फल जहरीले थे। फल खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टी दस्त होने लगे। गिरते पड़ते तीनों एक तीमल के घने पेड़ तक पहुँच गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कोई उनकी खोज खबर करने नहीं आया, इसीलिए तीनों की आत्माएँ आज भी वहाँ पर भटकती हैं। तुमने रास्ते में कुछ खाया था क्या? हाँ कुछ नमकीन और पानी पिया था, चंद्रमणि बोला। ठीक, अगर तुम कुछ खाने से पहले उनसे पूछ लेते तो शायद ये घटना ना घटती। बेटा इन पहाड़ों में जगह जगह मंदिर मठ और कितनी ही तरह की आत्माएं विचरण करती रहती है, इसलिए जब भी कहीं अनजानी जगह पर जाकर कुछ खाओ तो पहले इन देवी देवताओं को विचरण करने से पहले आत्माओं के नाम पर कुछ भोग अवश्य लगाना चाहिए। चंद्रमणि अब सब कुछ समझ गया था और उस अद्भुत अस्तित्व का साक्षी बन गया था। उसका मन श्रद्धा से भर गया और उसने दूर दूर तक चारों तरफ देखा। घने जंगलों का सैलाब और ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, हरे भरे सीढ़ी जैसे खेत और चारों तरफ कुछ कुछ दूरियों पर बने हुए देवालय। उसका मन
प्रसन्नता से उठ बैठा। शायद इसी के लिए इसे देवभूमि कहा जाता है। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजेंद्र नाम के एक शख्स के परिवार के साथ घटी थी। ये घटना मेरे गांव से जुड़ी हुई है और मुझे वहीं से पता लगी है, तो ये घटना जैसे मैं जानता हूँ ठीक वैसे ही आपको बताऊँगा। कन्वीनियंस के लिए आगे की घटना में मैं राजेंद्र को राज बोलूँगा। तो राज अपनी फैमिली के साथ पहले लखनऊ में रहा करता था, जिसका गाँव झारखंड में एक जगह पर था। उसका एक 8 साल का बेटा था और उसके अलावा उसकी वाइफ रहती थी उसके साथ। जब उसके बेटे की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो इस बार उसका प्लान था कि वो वापस से अपने गांव में जाए और अपने गांव वाले घर में थोड़ा समय बिताए। उसको अपने गांव गए हुए लगभग 8 साल हो चुके थे। अपने बेटे के जन्म के बाद से ही वो अपने गाँव में नहीं गया था, क्योंकि बात ये थी कि उसके बेटे के पैदा होने से 2 साल पहले उसके माता पिता यानी उसके बच्चे के दादा दादी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से उनके गांव वाले घर पर ताला लगा हुआ था, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी थी। अब इतने लंबे समय के बाद जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा होने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें एक बार अपने गांव में भी घूमकर आना चाहिए। राज का बेटा आरव इस ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो पहली बार अपने गाँव में जा रहा था। पर दिक्कत की बात ये थी, जब वो लोग अपने गांव वाले घर में पहुंचे तब वहां पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, क्योंकि वो जगह पिछले कई सालों से बंद थी और वहां पर अच्छी खासी धूल मिट्टी और भी गंदगी थी। इसीलिए सबसे पहला काम जो कि उन्हें वहां पर जाने के बाद करना पड़ा वो थी उस जगह की सफाई। उनका वो वाला पूरा दिन ही अपने घर की सफाई में ही चला गया। उसके बाद जब वे सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए तो राज ने अपनी वाइफ की हेल्प करके डिनर बनवाया और उसके बाद वो तीनों ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हालांकि इस टाइम पर उनका बेटा आरव थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। वो बार बार बाहर की तरफ देखकर ऐसे कुछ बोलता मानो बाहर कोई खड़ा हो जिससे वो बात कर रहा है, पर इधर राज और उसकी वाइफ को कोई भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। तब खाना खाते खाते ही एकदम से वो बीच में उठा और उसने बोला, मैं बस जल्दी से खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बाहर आऊँगा। राज और उसकी वाइफ को लगा कि शायद उनका बेटा बाहर जाने के लिए ऐसे ही बहाने कर रहा है, पर जब खाना खाकर वो जाने लगा तो राज की वाइफ ने उसे रोका और बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आज ही यहाँ पर आए और तुम्हारे आज में दोस्त भी बन गए, वो भी ऐसे जो हमें दिख भी नहीं रहे। तब आरव ने बोला कि मेरे दोस्त वो बाहर ही खड़े हुए हैं और वो काफ़ी देर से मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर राज और उसकी वाइफ दोनों ही थोड़ा हैरान हो गए और बाहर की तरफ देखने लगे। वो दोनों ही बाहर देखने गए बट उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। इधर राज को लगने लगा कि शायद दिन भर के सफ़र की थकान के कारण आरव ये सब महसूस कर रहा है या चीज़ें देख रहा है। उसने अपनी वाइफ से कहा कि इसे ऊपर सुलाने के लिए ले जाओ और एक बार उसका बुखार चेक कर लेना। उसकी वाइफ ने ऐसा ही करा बट आरव बिल्कुल फ़िलहाल नॉर्मल था। जब राज ऊपर गया तो उसने बोला कि अब जब राज ऊपर गया तो उसने बोला जल्दी से अब सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। आरव ना चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में लेटकर सो गया। वे सभी लोग सोए हुए थे और तब आधी रात के बाद किसी वक्त में राज की वाइफ सुष्मिता की आँख खुली। उसकी आँख खुलने का कारण थी एक आवाज़ जो कि उसे बाहर की तरफ से आ रही थी, कुछ ऐसी आवाज़ मानो कई सारे बच्चे वहाँ पर हंस रहे हों। यह आवाज़ सुनकर वो थोड़ा पहले हैरान हुई और फिर धीरे धीरे अपनी नींद को तोड़ते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहाँ से वो बालकनी में जाकर नीचे की तरफ देखने वाली थी। पर जैसे ही उसने वहाँ जाकर दरवाज़ा खोला तो वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसके पास रिएक्ट करने के लिए भी कोई शब्द नहीं थे। उसने देखा कि उसका बेटा आरव सामने एक पेड़ के पास ज़मीन पर बैठा हुआ था और अपने हाथों से ही वो उस ज़मीन की खुदाई कर रहा था और वहाँ से मिट्टी हटा रहा था। पर यह ज़्यादा डरावनी बात नहीं थी, डरावनी बात यह थी कि उसके चारों तरफ 3 बच्चे खड़े हुए थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, जो कि उसी की उम्र के लग रहे थे। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वो सभी लोगों के आर पार देख पा रही थी
और इवन उनके अंदर से कुछ रोशनी टाइप की भी निकल रही थी, जो कि उसे इस बात का यकीन दिलाने में काबिल थे कि वो बच्चे सामान्य नहीं थे। सुष्मिता और कुछ भी नहीं बोल पाई सिवाय चिल्लाने के। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसका पति राज उठ गया और बाहर वो जो बच्चे थे उनकी नज़र भी सुष्मिता पर पड़ गई और उन्होंने देख लिया कि सुष्मिता उन्हें देख चुकी है। पर आरव, उसे तो शायद उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, या मानो वो किसी तरीके के हिप्नोटिज्म में था। पर वो सारे बच्चे अब धीरे धीरे सुष्मिता की तरफ बढ़ने लगे और ये देखकर उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। पर राजेंद्र ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद राज ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो सुष्मिता और कुछ नहीं बोल पाई सिवाय इसके कि खिड़की से खुद देख लो। इसके बाद जब राज खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाहर वो बच्चे उनकी तरफ आ रहे थे। राज काफ़ी ज़्यादा वैसे बहादुर किस्म के इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा बाहर इस तरीके से इस हालत में है, तो बिना कुछ सोचे दरवाजे को ज़ोर से बंद करके बाहर की तरफ आए और तेज़ी से उस जगह की तरफ बढ़ने लगे, उस पेड़ के पास जहाँ नीचे बैठकर आरव ज़मीन को खोद रहा था। जब वो तीन बच्चे उन्होंने ये सब देखा तो वो भी पीछे की तरफ हटने लगे, मानो वो भी राज से डर रहे हों। पर बीच बीच में उनके चेहरे पर आई हुई वो अजीब सी मुस्कान राज को भी एक हद तक डरा रही थी, पर अपने डर को वो छुपा रहे थे। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब गए, वो बच्चे धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगे। जब तक वो वहाँ पर गए, तब तक वो तीनों ही बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे और अब बस वहाँ पर आरव था, जो कि लगातार ज़मीन खोद रहा था। और एक और दर्दनाक बात ये थी कि उसके नाखून तक भी टूट चुके थे और उनमें से खून निकल रहा था। फिर भी वो मानो इस तरीके से खोदे जा रहा था जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल में था ही नहीं। राज ने उसे काफ़ी बुलाया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राज ने उसे उठा लिया और उसे सीधा अपनी तरफ खड़ा किया और उससे बोलने की कोशिश करने लगे, पर वो देख पा रहे थे कि उसकी आँख तो भले खुली हुई थी पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी भी सो ही रहा हो और उसका शरीर ये सब खुद ब खुद कर रहा हो। राज ये देखकर काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने अपने बेटे के गाल पे धीरे धीरे थप्पड़ मारने शुरू करे, ताकि इस उम्मीद में कि वो होश में आ जाएगा। इतने में ही सुष्मिता भी बाहर आ चुकी थी और अपने बेटे की हालत को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। थोड़ी देर तक जब राज ने उसे उठाने की कोशिश करी तो फाइनली उसको होश आ गया और अब वो दोनों ही अपने बच्चे को लेकर वापस से ऊपर बेडरूम में गए। और वहाँ पर जाने के बाद अब वो उससे पूछे कि आखिर क्या हुआ था और तुम वहाँ पर कैसे चले गए थे। तब आरव ने बोला, मैं जानता हूँ आप मुझ पर गुस्सा करोगे, पर कुछ इस तरह से हुआ था ये सब। मैं सोया हुआ था और एकदम से ही कुछ आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं जब उठा तो मैंने देखा कि रूम की जो ऊपर वाली विंडो है, जो कि एक छोटी सी खिड़की थी, वहाँ पर मुझे तीन बच्चे दिखाई दे रहे थे। और ये और कोई नहीं, वही बच्चे थे जो कि मुझे शाम को भी खेलने के लिए बाहर बुला रहे थे। मैं सोचने लगा कि ये लोग इतनी रात में क्यों खेल रहे हैं और मुझे क्यों बुला रहे हैं। इसी सोच के साथ मैं अपने बिस्तर से उठ गया और मैं बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर जाने से पहले मैं दरवाजे को खोलकर उनकी तरफ देखने लगा तो वो वहाँ पर नहीं थे और वो थोड़ा दूर पेड़ के पास जा चुके थे और मुझे भी इशारे के साथ वहीं पर बुला रहे थे। मेरे मन में आया कि मैं उनसे पूछूं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं बिना कुछ सोचे उनके पास जाने लगा। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मैं बहुत डर गया। उन्होंने कहा कि हम सभी मर चुके हैं, हमें किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद हमें मार दिया गया, हमारी लाश यहीं पर है। आरव को बस इतना ही याद था। उसने बताया कि इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं और सीधा यही याद है कि उसके पापा उसे उठा रहे थे। ये सब सुनकर राज काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और उसकी वाइफ सुष्मिता भी, पर वो अपने बेटे को भी और परेशान नहीं करना चाहता था, तो उसने कहा कि अभी सो जाते हैं,
सुबह इसके बारे में सोचेंगे। सुबह सुबह राज ने अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया और उस जगह पर खोदना स्टार्ट करा, और कुछ देर खोदने के बाद उन्हें वो चीज़ मिली जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ पर 3 बच्चों के कंकाल थे। उन्होंने उन कंकालों को बिना छुए ही पुलिस को वहाँ पर कॉल करा और बुला लिया। इसके बाद राज की बताई हुई पूरी घटना को उन्होंने पुलिस को बता दिया। हालांकि ये बात यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर उन सभी पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने उनकी बात पर यकीन करा और इस बात की तलाशी लेनी शुरू करी। और ये बात सुनकर भी आपको हैरानी होगी कि कुछ टाइम के बाद इस केस के ऊपर से पर्दाफाश हो चुका था। दरअसल वो 3 बच्चे, जिनमें से लड़की का नाम पूजा था और दोनों लड़कों का नाम रवि और महेश था। महेश और पूजा भाई बहन थे, पर उनके मम्मी पापा काफ़ी समय पहले ही मर चुके थे और उनके दादा दादी ने उन्हें उनके चाचा के पास रहने के लिए भेज दिया था, जिनका सलूक हमेशा से ही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था। एक टाइम के बाद जब उनके दादाजी की मौत हो गई, तब उसके चाचा उन दोनों ही बच्चों को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे, और इसी सोच के साथ उन्होंने एक दिन उन्हें अगवा करना चाहा। पर उस दिन उनके साथ उनका एक दोस्त भी खेल रहा था जो कि रवि था। उन्होंने यही गलती कर दी कि उन दोनों के साथ उन्होंने और लालच में रवि को भी किडनैप करवा लिया, और उसके बाद उन्होंने उन तीनों को ही गाड़ी के डिग्गे में बंद कर दिया। पर लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो उन्हें वहाँ पर कितनी देर तक छोड़ देंगे जब तक वो जिंदा रहें। उन्होंने 3 दिन के बाद वो डिक्की खोली और तब तक वो तीनों बच्चे दम घुटने के कारण मर चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना है इन बॉडीज़ का। तब उन्हें एक बात याद आई जो कि उनके एक रिश्तेदार ने बताई थी, जो कि पड़ोस के गाँव में ही रहता था, एक फैमिली के बारे में जो कि शहर में रहती है और उनका घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो उनके घर की प्रॉपर्टी के पास में आए और उन्होंने देखा कि वो जगह बिल्कुल खंडहर जैसी हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने उस जगह का फ़ायदा उठाते हुए वहीं पर गड्ढा खोदा और उन तीनों बच्चों को वहाँ पर दफना दिया। क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता था नहीं, इसीलिए इस खबर का अगले 3 सालों तक किसी को भी पता नहीं चला, जब तक कि राज अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर नहीं आ गया। पर फाइनली उन तीनों बच्चों के साथ इंसाफ हो गया आरव की वजह से और उसकी फैमिली की वजह से। हालांकि इस घटना के बाद वो लोग अपनी इस प्रॉपर्टी को बेचकर वापस हमेशा हमेशा के लिए लखनऊ में चले गए और वहीं रहने लगे। मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैं और फिलहाल गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। बहुत दिनों से उनका किस्सा लिखने की सोच रहा था और आज वक्त निकाल कर आप सभी को बता रहा हूँ। ये सब मैं उन्हीं की ज़ुबानी लिख रहा हूँ। किस्सा हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। 7-8 साल पुरानी बात है, ये चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे और उनके आजमगढ़ के ही कुछ दोस्त दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया कि बिलिंग चलें, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, घुमाएंगे और मज़ा भी आएगा। अचानक योजना बनी और वह तीनों लोग बिलिंग चले गए। मुझे जब पता चला कि वे लोग हिमाचल जा रहे हैं तो मैंने भी इच्छा जताई। वे लोग तय प्रोग्राम के तहत बस से निकलने वाले थे, इसलिए मैंने कहा कि एक दिन बाद मैं खुद चंडीगढ़ से आ जाऊंगा। नवंबर का महीना था और दोस्त लोग हरियाणा रोडवेज की बस से दिल्ली से बैजनाथ गए। एक दिन वे बिलिंग और चौगान वगैरह घूमे और आसपास कोई होटल ना मिलने पर शाम को बैजनाथ ही आ गए। उसी शाम को मैं चंडीगढ़ से निकला। मैंने पहले धर्मशाला जा रही एक बस पकड़ी, मगर ऊना के पास उसका टायर पंक्चर हो गया। इसी ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि वक्त पर कांगड़ा उतर जाऊंगा और वहां से कोई बस पकड़ लूंगा बैजनाथ के लिए, मगर धर्मशाला जा रही उस बस ने मुझे करीब रात के 1 बजे कांगड़ा उतारा। वहाँ से कोई भी बस बैजनाथ पालमपुर साइड को मुझे नहीं मिली। किसी ने बताया कि बसें सुबह चलेंगी और बेहतर होगा कि किसी ट्रक वगैरह को हाथ देकर मैं लिफ्ट ले लूँ। मैं ऐसे ही खड़ा रहा और आधे घंटे के बाद मुझे एक जीप वाले ने लिफ्ट दी। ये ड्राइवर उतराला जा रहा था, जिसके लिए बैजनाथ से पहले पपरोला से ही लिंक चला जाता है।
उसने कहा कि मैं पपरोला मार्केट में छोड़ दूंगा आपको, बाकी आपको खुद जाना पड़ेगा आगे। रात को सड़कें खाली थी और ड्राइवर पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। करीब 45 मिनट में उसने एक कस्बे के बीच ब्रेक लगाया और बोला कि आ गया पपरोला, अब आप या तो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर लो या फिर पैदल निकल जाओ सीधे रेलवे ब्रिज से। मैंने कहा कि जी मेरे को पता नहीं है, आप पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा कि भाई पैसों की बात नहीं है, मुझे काफ़ी ज़रूरी काम है और मैं खुद पठानकोट से भागा भागा आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि ज़्यादा दूरी नहीं है, उसने बताया कि सामने जाओ सड़क से नीचे को रास्ता दिखेगा, चांदनी रात है एकदम, रेलवे पुल पार करो और खड़ी चढ़ाई है, सीधे मार्केट में पहुँचोगे और वहाँ पर होटल में पहुँच जाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बैजनाथ और पपरोला दो कस्बे हैं जो बिनवा नदी के दोनों आमने सामने वाले किनारों पर बसे हुए हैं। दोनों के आखिरी सिरों के बीच मुश्किल से सड़क मार्ग से 400 मीटर की दूरी है, मगर पैदल में ये दूरी 200 मीटर ही होगी। बस आपको शॉर्टकट मारते हुए रेलवे ब्रिज से रास्ता तय करना होगा। सारी सलाह देने के बाद ड्राइवर ने विदा ली और वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे एक लिंक रोड पर निकल गया। चांदनी रात थी और शहर में सन्नाटा था, दूर दूर तक मुझे कोई दिख नहीं रहा था, कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी जिससे लिफ्ट मांगी जाए, स्ट्रीट लाइट्स भी दूर दूर पर थी। खैर मैंने उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ ड्राइवर ने मुझे इशारा दिया था। कस्बे के ख़त्म होते ही खूबसूरत नज़ारा था, चांदनी रात थी और एक तरफ नदी बह रही थी, नदी में बहते पानी का मस्त संगीत सुनाई दे रहा था, खड़े के पत्थर चमकते हुए बहुत शानदार लग रहे थे। सामने दो पुल दिखाई दिए, एक सड़क वाला और उससे नीचे रेल का। पहले सोचा कि रेल के पुल से चलूं, मगर फिर सोचा कि अंधेरा है वहाँ पर और ऊपर से रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि क्यों ना सड़क से चलूं, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी तो जानवर वगैरह नहीं मिलेंगे। झाड़ियों वाले रास्ते में सांप वगैरह भी हो सकते हैं, ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी सड़क वाले पुल पर। मैं तेज़ कदमों से बढ़ चला, जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, रेलवे के पुल की तरफ मैंने देखा। चांदनी रात में कितना प्यारा लग रहा था वो, मगर मेरा ये सारा उत्साह उस वक्त गायब हो गया जब मैंने किसी चीज़ को पुल के नीचे की तरफ लटके हुए देखा। मेरा मन किया कि मैं दोबारा उधर ना देखूं, क्योंकि पता नहीं क्या था, समझ में ही नहीं आ रहा था, मगर डर और एक्साइटमेंट के मिले जुले भाव से मैंने देख ही लिया। गौर करने पर मैंने पाया कि ऐसा लग रहा था कि कोई महिला पुल पर नीचे लटकी हुई है, मतलब साफ साफ नहीं दिख रहा था मगर धुंधला सा स्लेटी से रंग का कुछ, और जैसे बाल लहरा रहे हों और वो भी उल्टे। सच कहूँ तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता था कि वो महिला ही थी या कुछ और, लेकिन एक बात जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो ये कि मेरे प्राण उसे देखकर सूख गए, शरीर में झुझड़ी सी दौड़ गई और भागने को दिल कहने लगा, लेकिन घबराहट में पता नहीं क्या हो रहा था। इतने में ही सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी हेडलाइट नहीं जल रही थी, शायद सफ़ेद रंग की मारुति होगी। मैं आगे बढ़ा और मैंने उसे हाथ दे दिया, गाड़ी मेरे बगल में रुकी और मैंने आव देखा ना ताव झट से उसका दरवाज़ा खोलने लग गया और बोलने लगा जल्दी यहाँ से चलो। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गया और ड्राइवर को बोला कि जल्दी यहाँ से चलो। मैंने देखा कि आगे वाली सीट पर एक बुज़ुर्ग बैठा है और ड्राइवर की सीट पर एक अधेड़ सा मर्द। मैं पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और वहाँ पर साइड में एक महिला पहले से बैठी थी। मैं बोला चल क्यों नहीं रहे आप। अचानक वे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे एक टक लगाकर। मैं पहले से ही डरा हुआ था और अब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। मैं समझ चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोला ही था कि वे लोग बहुत अजीब सी आवाज़ में रोने लग गए। दरवाज़ा खुल चुका था और मैं बेतहाशा भाग रहा था, उनकी आवाज़ें लेकिन तेज़ हुए जा रही थी। मैं दौड़ा और पुल पार करते ही नीचे की तरफ मंदिर दिखा, इसीलिए वहाँ की तरफ भागने लगा और जैसे ही भाग कर मैं वहाँ पहुँचा तो ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से दो साधु निकले और उन्होंने पहले तो गालियाँ दी कि मैं इतनी रात को क्या कर रहा हूँ। मैंने घबरा कर उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे पकड़कर सहारा दिया और अंदर बिठाया, पानी पिलाया और भभूत खिलाई और फिर मुझे बोला कि कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत,
मैं कांप रहा था और रोए जा रहा था। उनमें से एक बुजुर्ग दिख रहे साधु ने मुझे कहा कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें, वहम हो गया होगा लग रहा है। ये कहते हुए उन्होंने मोर पंखे से कुछ मंत्र पढ़ते हुए सिर पर उसे कई बार सहलाया। मैं उन साधुओं के बीच में खुद को सहज पा रहा था। इतने में मैंने मोबाइल निकाला और अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई। दोस्तों ने होटल वाले को जगाया और रात को ही गाड़ी लेकर एक घंटे में उस मंदिर में पहुंच गए। मैंने पूरी कहानी बताई तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ, उन्हें भी लगा कि मुझे वहम हुआ है। वो रात मैंने और मेरे दोस्तों ने उसी मंदिर में बिताई और होटल के उस भले मालिक ने भी। सुबह होते ही मैं मंदिर से बाहर निकला और दोस्तों को बताया कि कहां पर क्या हुआ था। इस बीच वहां मौजूद साधु ने मुझे जाने से पहले भभूत की पुड़िया देते हुए कहा, डर लगे तो इसे लगा लेना, बाकी कोई बात नहीं। हम लोग वहां से बैजनाथ गए, होटल में ब्रेकफास्ट करा और बाबा बैजनाथ मंदिर में माथा टेका। वहां जाकर मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि कभी मेरे साथ ऐसा दोबारा ना हो जैसा बीती रात हुआ। उसके बाद हम सब लोग बिलिंग गए। दोस्तों ने इस बार उड़ान भी भरी, लेकिन मैं तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। मन कर रहा था कि तुरंत वहां से कहीं भाग जाऊं। दोस्तों का प्लान रुक कर वहीं घूमने का था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे चंडीगढ़ ले चलो। मैंने इसके लिए मंडी जाने के लिए कहा और वहां से चंडीगढ़ के लिए बस पकड़ने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे दोबारा उस पुल से होकर गुजरना पड़े। उसी रात हम लोग चंडीगढ़ आ गए और घबराहट कई दिनों तक बनी रही और कई दिनों तक बाबा जी की पुड़िया मैंने अपने पास रखी। कभी कोई सपना या ऐसी घटना मेरे साथ दोबारा नहीं हुई और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। बाबा जी की दुई हुई पुड़िया आज ही पूजा के सामान के साथ ही रखता हूँ मैं, मगर 7-8 साल के बाद आज मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो डर उतना नहीं लगता। मेरा मतलब है कि आज इतने सालों बाद लगता है कि शायद मुझे भ्रम हुआ होगा पुल की तरफ देखकर, और वह जो गाड़ी में लोग थे वे भी बेचारे मेरी तरह ही कुछ देखकर डर गए होंगे। मैंने कई सालों तक ये कहानी किसी को भी नहीं बताई। मेरे दोस्त जो मुझे डरपोक समझते थे उन्होंने हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाया। आज मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, उनके साथ भी मैं ये कहानी कभी शेयर नहीं कर पाया क्योंकि लगता था कि शायद वे लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मगर मैं जानता हूँ कि उस रात जो मेरे साथ हुआ वो कम से कम सामान्य तो नहीं था, जो कुछ भी था डरावना था। इसीलिए कहानी मैंने आप सभी लोगों को बताई है ताकि मेरे इस अनुभव को ये कहानी के तौर पर ही सही पर दुनिया के सामने आए जरूर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें। इस वीडियो पर एम करते हैं 400 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।